पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऐसे में हरियाणा के जिला करनाल के ब्लॉक घुरुंडा में भी साध संगत व शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा ठंडे मीठे पानी की छबील लगाकर मानवता भलाई के कार्य भी किए गए। इतना ही नहीं, MSG डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई केंद्र में एक नाम चर्चा का आयोजन भी हुआ। इस नाम चर्चा में साध संगत ने शिरकत करते हुए जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित किताबें व स्टेशनरी का सामान वितरित किया। इस दौरान साध संगत ने फूड बैंक से जरूरतमंद परिवारों को राशन की किटें भी दी। इस अवसर पर प्रेमी सेवक राजेंद्र इंसा व 85 मेंबर संतोष इंसा ने जानकारी देते हुए बताया कि घरुंडा ब्लॉक की साध संगत ने आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व को अपने गुरु को समर्पित करते हुए मानवता भलाई के कार्यों को गति दी है। घरुंडा ब्लॉक की साध संगत व शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा सुबह से ही सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे मीठे पानी की छबीले लगाई गई, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा भरपूर सराहना भी की गई। इसके साथ ही फूड बैंक से राशन और विद्यार्थियों को स्टेशनरी का सामान देकर इंसानियत का फर्ज निभाया गया। जिम्मेवारों ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुजी द्वारा 162 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, जिनमें देहदान, खूनदान, नेत्रदान, गुर्दादान, सफाई माँ अभियान, पौधारोपण, प्रकृति आपदा बचाव जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं इस मौके पर MSG डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र घरुंडा आकर्षण का केंद्र भी रहा, क्योंकि इस मानवता भलाई केंद्र की दीवारों पर बनी कलाकृति समाज व देश को इंसानियत व मानवता का वो संदेश दे रही थी जिसकी आज सभी को बेहद जरूरत है। खैर, आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुजी द्वारा पूरे विश्व व समाज में देश की भलाई को लेकर 163 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं। पूज्य गुरुजी की पावन शिक्षा का ही कमाल है कि आज देश दुनिया के कोने कोने में डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु इंसानियत व मानवता का डंका बजा रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो 162 मानवता भलाई के पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसानियत कार्य चलाए हुए हैं, उसी के अंदर कुछ कार्य हुए, जैसे गरीब परिवारों को राशन दिया गया, गरीब बच्चों को स्टेशनरी दी गई, वह मीठे पानी की बार नाम चर्चा घर के बाहर छबील लगाई गई। और अगर पूज्य गुरु जी हमारे बीच हों तो ये कार्य में और भी चार चांद लगे, और भी ज़्यादा समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उन पर नकेल कसे और वो जड़ से मिटें।